इस वक्त जो माहौल है देश में उसके खिलाफ ये इंसानियत का समंदर यहाँ आया है। ये किसी के ढोए हुए लोग नहीं हैं, ये लोग अपने जज्बे से आए हैं। ये दिल्ली में तब्दीली करने के लिए आए हैं, परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और मेरा तो हौसला बढ़ गया, चूँकि मैं तो दोनों पैरों में चोट लगे होने के बावजूद देश भर में घूम रहा हूँ, लेकिन आपका जज्बा देख के मुझे ये हौसला हो गया कि हम कामयाब होंगे और इनको हटा पाएंगे। जो दिल्ली में सरकार है वो ऐसे लोगों की सरकार है, आ रहा है तो हाँ, ऐसे लोगों की सरकार है जो खेती खत्म करना चाहती है, जो फौज को खत्म करना चाहती है, जो किसानी को खत्म करना चाहती है, और उसी के चक्कर में ये लोग तमाम तरह तरह के कानून लाते हैं। ये जो कानून लाए थे कुछ साल पहले, उस वक्त हमारे किसान भाई बॉर्डर पे बैठ गए, उनमें 700 लोग मरे। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली से कंडोलेंस जाता है उसके लिए, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा ना बोले। मैं बहुत दुखी था, मैंने बहुत सोचा भी क्या करूं, चूँकि मैं सरकारी पोजीशन पे था, मुझे लोग मशवरा भी दे रहे थे कि राष्ट्रपति हो जाओगे, उपराष्ट्रपति हो जाओगे। मैंने कहा ये कोई चीज़ नहीं होती, अपने लोगों के साथ रहना चाहिए। तो मैं अपना इस्तीफा लिख के जेल में रख के नरेंद्र मोदी जी से मिलने चला गया। मैंने उनको कहा कि देखिए ये 4 महीने से पड़े हैं और इनसे कोई बातचीत नहीं हुई है, कृपया इनसे बात कर लें। तो उन्होंने बहुत नॉन सीरियसली लिया, उन्होंने कहा सत्पाल भाई चले जाएंगे, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, ये ऐसे ही नहीं जाएंगे, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। आप इन सिखों के बारे में नहीं जानते हो, जाटों के बारे में नहीं जानते हो, ये सिख तो वो हैं जिनके गुरु महाराज ने अपने 4 बेटे शहीद करा दिए थे लेकिन समझौता नहीं किया था। मिसेस गांधी ने जब ब्लू स्टार किया उसके फौरन बाद 4 महीने तक मिसेस गांधी ने अपने यहाँ महामृत्युंजय का पाठ कराया। अरुण नेहरू ने कहा कि फूफी आप तो ये नहीं मानती थी, तो उसने कहा तुम्हें पता नहीं है स्वर्ण मंदिर को जिसने भी छुआ है वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मार देंगे। और वही हुआ, वो मरे, मरी, फिर जनरल वैद्य मरे, तो जो भी उससे ताल्लुक रखते थे वो सब लोग मारे गए। तो खैर अब तो वो डरने लगे हैं मोदी जी भी, और डर के ही उन्होंने उन 4 कानूनों को वापस लिया। जब वो कानून वापस ले रहे थे माफ़ी भी मांगी है और ये भी कहा कि हम MSP लागू करेंगे। MSP हमारी ज़िंदगी है किसानों की, क्योंकि हम जितनी चीज़ें पैदा करते हैं उनके दाम उस हिसाब से नहीं बढ़ते हैं जिस हिसाब से शहर की चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। नतीजा ये है कि हम हर दिन गरीब हो रहे हैं और हम हर दिन गरीबी में आ रहे हैं। तो उन्होंने 4 कानून वापस लिए और ये कहा कि हम MSP भी वापस करेंगे, उसको अभी तक वापस नहीं किया। मैं आपके माध्यम से सरकार को इस चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर MSP वापस नहीं हुआ तो एक बार फिर बड़ी लड़ाई किसानों की होगी और उसमें आप भस्म हो जाओगे। किसानों से पंगा मत लो, ये किसानों से लड़ के कोई कामयाब नहीं हुआ। औरंगजेब से लेके और अभी तक किसानों को कोई नहीं हरा पाया और ना हरा पाएगा। मैं एक बात और आपसे कहूं कि नूह में हम लोगों ने जो ये रैली रखी थी, जिन लोगों ने भी मेरे पास भी गए थे वो लोग, उनकी नियत ये थी कि हमारा जो भाईचारा है, जो कोच साहब कह रहे थे, इसको एलोबरेट किया जाए, दिखाया जाए, मजबूत किया जाए। तो उसके लिए मैंने भी फौरन कहा कि मैं भी आऊँगा, और आज आपने दिखा दिया कि नूह में भाईचारा है और भाईचारा कायम रहेगा। मेवात के बेगुनाह बच्चों को पकड़ा जा रहा है, मुझे बताया गया है, उनको गोली मारी जा रही है। नासिर और जुनैद के कातिल अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन मुनफेद नाम का एक लड़का, उसका एनकाउंटर किया गया है। ओसामा और पहलवान फिरोजपुर नमक नोके हैं, उनको गोली मारी गई है। तो ये जो सरकार की पिक एंड चूज है कि वो किसी को छांट के उठा के मार दे, इसको बंद करना चाहिए। एक और मैं बात का अगर जिक्र नहीं करूँगा तो अपनी ड्यूटी से हटूँ, और वो थी पुलवामा की बात।
मैं गवर्नर था कश्मीर में, उस वक्त मुझे खबर आई कि हमारे 40 सिपाही मारे गए। एक गाड़ी आई, उसने बस में टक्कर मारी, विस्फोट हुआ और 40 से ज़्यादा नौजवान शहीद हो गए। मैंने प्रधानमंत्री जी को ढूंढवाया, वो अपनी कहीं शूटिंग करा रहे थे, तो वो मुझे 6 बजे तक नहीं मिले, 5 या 6 बजे मिले। तो मैंने उनको बताया कि साहब इसमें हमारी भी गलती थी, क्योंकि ये लोग हमसे माने होम मिनिस्ट्री से, मेरे से मांगते तो मैं दे देता, होम मिनिस्ट्री से ये लोग, सीआरपी के लोग होम मिनिस्ट्री से 5 हवाई जहाज मांग रहे थे ताकि हवाई जहाज से सब लोग चले जाएं और सड़क से जाने का रिस्क ना लें, लेकिन उनको मना कर दिया गया। 4 महीने तक उनकी फाइल लटकी रही मिनिस्ट्री ऑफ होम में और 4 महीने बाद उनको मना कर दिया गया और नतीजा हुआ हमारे 40 जवान शहीद हो गए। जब मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि हमारी गलती से हुए, तो उन्होंने कहा नहीं, चुप रहो, इसमें मत बोलो। फिर उन्होंने जो अजीत डोभाल हैं उनको कहा, अजीत डोभाल का मुझे फ़ोन आया, वो मेरे साथ पढ़े थे, उन्होंने कहा सतपाल भाई ये बात मत बोलो अभी, चूँकि मैं बोल चुका था 2-3 चैनल को। तो मैंने समझा शायद ये जाँच करेंगे, आज तक वो जाँच नहीं, आज तक ये तय नहीं हुआ है कि हमारे जवानों की जान लेने के लिए कौन जिम्मेवार था। और अभी भी मुझे डर है कि चुनाव तक इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें अपने हमारे जवान, हमारी फौज, हमारे लोग खतरे में जाएंगे और उनके ऊपर अत्याचार होगा। मैं बहुत लंबा हो गया, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा बहुत हौसला बढ़ा आपको देख के, जिस तरह से आपने अपनी एकता दिखाई है, जिस तरह से मेवात तो हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान की एकता का गहवारा है। मैं बाबरनामा पढ़ रहा था, बाबर लिखता है बाबरनामा में कि जब तक मुझे ये खबर नहीं मिली कि हसन खां मेवाती मारा गया है, मैं सोया नहीं। इनके मेवों के एक नेता थे हसन खां मेवाती साहब, 10,000 आदमी लेके वो बाबर की तरफ से लड़ने गए थे और उसके सारे लोग खप गए, लेकिन आखिर तक लड़ा और अपने सारे लोगों को खपा के भी उसने राणा सांगा की मदद की। बाबर ने उसको पनिश करने के लिए, मेव कौम को सजा देने के लिए 6 दिन तक फिरोजपुर झिरका में कैंप किया और वहाँ के मेव लोगों को सजाएं दी, उनको कत्लेआम किया, उनको कत्ले गारत किया, लेकिन मेव ने साबित कर दिया कि वो हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि इस धरती के लोगों के साथ, जो हिंदुस्तान की धरती से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ हैं। इसी तरह का आपको भी दिखाना है कि आप भी हिंदू मुसलमान नहीं, यहाँ की जो ज़मीन के लोग हैं उनके साथ हैं। और मैं पक्का, मुझे यकीन है कि आप मेरे भाइयों का साथ दोगे, इनकी लड़ाइयों में शिरकत करोगे, इनके साथ रहोगे और कामयाब होंगे। बहुत लंबी तकरीर हो गई, फिर कभी मैं, अभी तो चुनाव तक मैंने ये जिम्मेवारी ली है, मेरे पैरों में बहुत चोट है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने जिम्मेवारी ली है कि चुनाव तक मैं घूमूंगा और इनको हटा के दम लेंगे। तो आपका मुझे सहयोग चाहिएगा और आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप बिल्कुल एक यकजहदी के साथ इकट्ठा होके और एक सुर से लड़ोगे और कामयाब होंगे। ये टिकैत साहब मेरी तरफ अभी देख रहे थे, ये भूल रहे होंगे, जब ये रोए तो सारा देश रोया, इनके रोने पे सब लोग दुखी हुए, मैं भी दुखी हुआ। मैंने 10:30 बजे रात को अरुण ने उनको, अमित शाह साहब को जगाया, उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, मैंने कहा साहब आप ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, आपने देखा कि हाँ मैंने देखा, और मैं कहा कल उनके गांव में पंचायत है, अगर वहाँ जाटों ने तय कर लिया कि हम लड़ेंगे तो आप क्या करोगे? कहेंगे यार इसको किसी तरह रोको। मैं कहा ये रुक जाएगा, आप आज उनकी गिरफ्तारी ना करें, और मेरी राय तो ये कि कभी भी ना करें। तो उन्होंने फौरन कहा कि आप राकेश जी को कह सकते हैं, मुझे फ़ोन कर लें, मैं फ़ोन पे हूँ, और मैं अभी सारी फोर्सेज जो भेज रखी हैं स्वामी उन्होंने, योगी जी ने, वो सब वापस बुला लेता हूँ और उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। मैंने रात में इनको बताया कि आप अभी फ़ोन कर लें, इन्होंने बात की और वो बात आई गई, टल गई और इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और उसके बाद राकेश टिकैत जी का परचम किसान आंदोलन में बहुत ऊँचा हो गया। ये अब अभी उस दिन तक तो पश्चिम के नेता थे, उसके बाद ये पंजाब, राजस्थान सब जगह के नेता हो गए और सब लोग इनको मानने लगे। तो मैं इनसे कहूँगा कि आपकी भी बड़ी जिम्मेवारी है, अपने लोगों को जोड़ के रखो, उनके साथ रहो और उनका साथ दो। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि बहुत लंबा हो गया,
और फिर आपको अगली लाइन पे चला देता हूँ। तो मैं यहाँ के जो मेवात के शानदार जंगजू लोग हैं उनको सलाम करता हूँ और उनको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आप पे कोई वक्त आया तो सबसे पहले हम लोग आएंगे और उस लड़ाई में कूदेंगे, आपको कामयाब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।